फोटो में रेजुलेशन सेंटीमीटर इंच या फिर पिक्सल में अगर हमें फोटो को कुछ भी एडिट करना होता है तो वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। बहुत ही आसानी से आप जिस भी पिक्सल में जिस भी सेंटीमीटर में आप बनाना चाहें वहां पर आप बना सकते हैं। क्या करते हैं देख लीजिए। सबसे पहले हम इसी फोटो के लिए देख लेते हैं कि इसका जो रेजुलेशन क्या है, इसकी जो साइज क्या है वो हम आपको दिखा दे रहे हैं। इस फोटो पर हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिखा है इमेज साइज, यहाँ पर हम देखेंगे तो आपके सामने दिखाई गया आपका। यहाँ पर देखिए ये जो पिक्सल की बात करें तो इमेज का ये पिक्सल है, मतलब ये विथ है मतलब चौड़ाई, तो 1794 इसका पिक्सल है। हाइट कितनी है? 2500। इसी बात अगर हम साइज में बात करें तो यहाँ पर देखेंगे कि 63 सेंटीमीटर है और ये 88 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, और रेजुलेशन की बात करें तो 72 रेजुलेशन है। अगर हमें विड्थ को यहाँ से इंच में देखना है कितना इंच है, तो इस पे सेंटीमीटर की जो एरो है यहाँ पर इंच पे क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे कि 24 इंच बता रहा है। यहाँ पे क्लिक करके इंच पे क्लिक करेंगे तो ये दिखा रहा है 34 इंच का है। यहाँ पर अगर हम क्लिक करके एमएम में देखना चाहें तो ये एमएम में भी हमें दिखा सकता है। यहाँ से हम स्केच को चेंज करके देख सकते हैं, मतलब 632 mm, 881 mm, ये सारी चीज़ें हमें बता रहा है। अगर हम इसका रेजुलेशन बढ़ाएंगे, कहीं अगर हमें देखने को मिलता है कि आपको 92 DPI या फिर रेजुलेशन की बात करें कि 92 रेजुलेशन या 92 पिक्सल का रेजुलेशन, तो यहाँ से हम क्लिक करके यहाँ से इसको हम बढ़ाएंगे। याद रखिए जैसे हम इसको चेंज करेंगे ऊपर का ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। जैसे कि देखिए हम यहाँ इसको बढ़ाएंगे ना इस तरह से, तो ऊपर का ऑटोमेटिक यहाँ से बढ़ेगा, ये देखिए इस तरह से। या फिर ये कहें कि ऊपर अगर हम बढ़ाएंगे या घटाएंगे, जैसे मान चलते हम ऊपर का कुछ बढ़ाएंगे या घटाएंगे, तो यहाँ पर रेजुलेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप रेजुलेशन को छेड़खानी करेंगे तो ऊपर का ये जरूर बढ़ेगा। अभी हम इसको कैंसिल कर देते हैं और अब हम आपको शुरू से दिखाते हैं कि आपको कितनी इंच का क्या रखना है। सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि आपको फोटोशॉप में जितने भी साइज का आपको कि नया पेज बनाना है वो कैसे बनाते हैं। फाइल पे जाते हैं, न्यू पे जाते हैं और यहाँ पर कस्टम है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट पहले से हमारे पास ये पेज बने हुए हैं, A3, A4, 1920x1080, ये सारी चीज़ देखिए, 8×10, 5×7, 4×6, 2×3, ये सारी चीज़ें। लेकिन हमारे पास ये कस्टम का भी ऑप्शन होता है, यहाँ पर हम बाय हैंड लिख सकते हैं कि हमें कितना पेज चाहिए। अगर हमें सेंटीमीटर में चाहिए तो हम यहाँ पर सेंटीमीटर सेलेक्ट कर लेंगे, और हम अगर मान के चलते हैं कि हमें है ना 3.5 सेंटीमीटर इसका ब्रेथ चाहिए और 4.5 सेंटीमीटर इसका हाइट चाहिए, और हमें ये 300 DPI में चाहिए, तो हमने ये सारी चीज़ें इसको पहले से कमांड दे दी, लिख दी और हम ओके कर देंगे। तो अभी आपके पास जो पेज है वो 3.5 सेंटीमीटर विड्थ का है, 4.5 सेंटीमीटर हाइट का है और 300 रेजुलेशन का है। अभी इस फोटो को अगर हम इस पर रखेंगे तो ये फोटो बहुत बड़ी है। देखिए जैसे कि अगर हम इस फोटो को रखना है तो ये जो हमारे पास ये टूल बॉक्स में दिख रहे होंगे ये वाला मूव टूल पर हम क्लिक करेंगे और फिर इस फोटो को उठा के लाएंगे तो अब देखेंगे इतना बड़ा फोटो है हमारे पास, क्योंकि फोटो बहुत बड़ा है। अभी हम कंट्रोल अल्ट और जेड से वापस कर देंगे तो हम वापस आ जाते हैं। इस फोटो की साइज को अगर हमें रिसाइज करना है या हमें इसकी साइज को सेट करना है तो हमने पहले बताया आपको क्या करना है। जैसे मान के चलते हैं अभी हमें इस साइज का चाहिए, इस साइज का, तो इस साइज का बनाने के लिए हम इस फोटो पर राइट क्लिक करेंगे ऐसे, और यहाँ से सबसे पहले हम 300 रेजुलेशन डाल देते हैं। और यहाँ पे अगर क्योंकि हमें पिक्सल से नहीं, मतलब हमें अगर यहाँ पे साइज देना है, डॉक्यूमेंट साइज देना है, तो सेंटीमीटर तो है ही, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3.5 और नीचे लिख देंगे 4.5। पर आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे कि जैसे हम नीचे या ऊपर का बदल रहे हैं ये ऑटोमेटिक भी ऊपर और नीचे का बदल रहा है। इस चीज़ को दूर करने के लिए आपको जो चेक बॉक्स है कंस्ट्रेंट प्रोपोर्शन, इसको आपको हटाना होगा। जैसे ये हटा देंगे तो अब बड़ी ही आसानी से आप अलग अलग कर्व्स केस लिख सकते हैं और इसमें आपका कोई भी ऑटोमेटिक चेंज नहीं होगा। और याद रखिए जो साइज आपने दिया हुआ है 300 रेजुलेशन, 4.5 सेंटीमीटर हाइट, 3.5 सेंटीमीटर विड्थ, और ऊपर देखेंगे तो पिक्सल इस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। अभी हम इस पर ओके करेंगे, और जैसे हम इस पर ओके करेंगे तो अब देखेंगे कि आपकी जो फोटो है अब वो आपकी इस साइज में फोटो बन गई जिस साइज की आपको चाहिए थी। अभी इस पर राइट क्लिक करेंगे, इमेज साइज पे जाएंगे तो अब देखेंगे कि जिस साइज का आपको चाहिए था उसी साइज का आपको फोटो बन गया। जो हमने पेज ये बनाया था इस पे भी हम राइट क्लिक करके देखेंगे तो देखेंगे कि इसका भी पिक्सल सेम है, इसकी भी साइज सेम है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर 300 रेजुलेशन पे हम इस साइज की बनाएंगे तो उसका पिक्सल ये रहेगा।
अब हम इसको चेंज करके रखते हैं, जैसे कि एक नया पेज बनाते हैं और पहले हम इसकी साइज की पिक्सल देख लेते हैं, 413 पिक्सल 531 हाइट। एक नया पेज फिर से बनाते हैं और इस बार हम यहाँ पर रेजोल्यूशन तो 300 रखते हैं और यहाँ पर हम पिक्सल रखते हैं 413 और यहाँ पर 531 पिक्सल का हाइट दिया और हम इसको ओके करते हैं। और अब हम इसको अगर हम इसकी साइज देखते हैं और यहाँ पर हम आएंगे तो देखेंगे कि अगर हमने इसका पिक्सल सेट कर दिया है तो ये ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट की साइज भी एडजस्ट हो जाएगी। मतलब कहने का ये है कि अगर आपको कोई पिक्सल में देता है तो उसको ये पता होगा कि अगर इतने पिक्सल में बनाएंगे, इतने डीपीआई में बनाएंगे तो हमारे पास लगभग इस साइज की फोटो आएगी। या फिर कोई आपको सेंटीमीटर में कहता है कि आपको सेंटीमीटर में फोटो देनी है तो आप ये समझ सकते हैं कि इतने पिक्सल की फोटो होगी। तो इस तरह से आप ये सारी चीज़ें को एडजस्ट कर सकते हो। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी फ़ोटो कितनी साइज की बनानी है। एक बार और फाइल पे जाते हैं, न्यू पे जाते हैं। अभी अगर आपको 4x6 का बनाना तो ये तो लिखा ही है, पहले से लिखा है। आपको मन से किसी और साइज का बनाना है, 2x2 इंच का बनाना है 300 रेजोल्यूशन पे। तो सबसे पहले रेजोल्यूशन को हम चेंज करेंगे 300 रेजोल्यूशन पे। इंच हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे 2x2, मतलब 2 इसका विड्थ हुआ, 2 हाइट हुआ और ओके कर देंगे। तो अब जो फोटो होगी ये 2x2 की होगी। यहाँ पे हम मूव टूल पे क्लिक करेंगे, इस फोटो को उठाकर क्लिक करके हम ले आएंगे और आप देखेंगे कि अब आपकी फोटो होगी 2x2 की, अब होगी 2x2 की। तो इस तरह से आप फोटो के साइज को या कोई डॉक्यूमेंट के साइज को इस हिसाब से देख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं।